बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल। महसी इलाके के भगवानपुर में हुआ बवाल। विसर्जन के दौरान हुआ पथराव व फायरिंग। बवाल के दौरान हुई आगजनी। वाहनों समेत चार मकान फूके गए, कई वाहन तोड़े गए। पुलिस के वाहन पर हुआ पथराव। फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की हुई मौत। रामगांव के रहवा मंसूर का रहने वाला था 30 वर्षीय मृतक रामगोपाल मिश्रा। बवाल में दो लोग हुए घायल, घायलों का इलाज जारी। बवाल से आक्रोशित लोगों ने विसर्जन रोका, शौर रखकर शुरू किया बवाल। मैसी में DMSP समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात। जिले की शांति व्यवस्था हुई भंग, दहशत का माहौल। कैमरे के सामने से बोलने से इनकार कर रही SP बहराइच वृंदा शुक्ला। ब्यूरो चीफ खुद बंसारी, खास रिपोर्ट। लोग वहां बढ़ गए तो प्रशासन से मांग करने के लिए जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे। काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींच कर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम 10-15 लोग। किस थाने का मामला है ये? किस थाने का मामला है ये? थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। पूरी थाना जी, क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों के सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। मेरा नाम वैभव मिश्रा है। आज आप जिला अस्पताल है, क्या हुआ है? अब्दुल हमीद के घर से बुलाई गई, हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ से मूर्तियों पे पथराव हुआ। काली माता जी मूर्ति पे पथराव हुआ। हम लोग पुलिस हरदी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है, बुलाया जाए। तो लड़के ने आके, हमारे बड़े भाई रघुपाल मित्र ने आके बढ़े और उनको रोकने के लिए हरदी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई। और अंदर पुलिस ने खुद धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उजाड़े गए। कम से कम 15-20 गोलियां चली गई उनको। और पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। हरदी थाना की पुलिस, हम चाहते कि अभी पूरी थाना गायब हो जाए पूरा, बस और कुछ नहीं चाहते।